हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसाले की चटपटी आइडियाज़। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन मसाला बूटी तिक्का की रेसिपी। चलिए हम लोग आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, एक कुकर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। अपने ऑयल को गर्म होने देंगे और उसमें ऐड करेंगे अपना मटन। और इसमें ऐड करेंगे हम एक प्याज, दो बड़ी इलायची और दो तेज़पत्ता के पत्ते। इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट, दो टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम वाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर कुछ स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो अब हम सबको अपने मटन में ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको 3 मिनट से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 3 मिनट से 10 मिनट तक दम पे रख के पका लिया है। तो हम गैस का फ्लेम दोबारा ऑन करेंगे, इसकी जो तेज़पत्ता के पत्ते हैं और बड़ी इलायची हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा मटन जो है गल चुका है, हमें इतना ही मटन गला हुआ चाहिए था, ज़्यादा भी इसको नहीं गलाना है और इसको बिल्कुल कच्चा भी नहीं छोड़ना है, इसको 90% तक करना है। तो हम इसका सारा पानी रिड्यूस कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसका सारा पानी रिड्यूस कर लिया है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, चाट का मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स। हम सबको इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस हम, और इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर। हमने इसके अंदर पहले भी नमक ऐड करा था, हम इसके अंदर ज़्यादा नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे और हम इसको अपने बोटी तिक्का करेंगे फ्राई। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यमी और लजीज बनती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसको गार्निश करेंगे तो हमने इसके लिए काजू फ्राई कर लिए थे, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलती हूँ आप सभी को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।